क्या बलात्कारियों को नपुंसक बना दिया जाए। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से बलात्कार पे बलात्कार इस देश के अंदर किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों का हौसला बढ़ता चला जा रहा है। आज इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ अगर मिल रहा है तो उन लोगों को मिल रहा है जो बलात्कार करते हैं और बड़ी आसानी से छूट जाते हैं, और उसके बाद उन लोगों को दरिंदगी करने का मौका मिल जाता है। लेकिन आज आपके बीच में मैंने जो आज सवाल रखा है वो यही रखा है, क्या बलात्कारियों को नपुंसक बना दिया जाए। वो इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अब लोगों का सरकार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। अब लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर नहीं रहा है क्योंकि सरकार उन बेटियों को इंसाफ दिलाने में नाकाम हो चुकी है। लगातार आप टीवी खोलते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर हमको सुनने को मिलेगी। आप उम्मीद करते हैं टीवी चैनल पर कि आज हमें खबर मिलेगी कि देश के अंदर कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई। आप उम्मीद करते हैं कि देश के अंदर महंगाई कम हो गई। आप उम्मीद करते हैं कि देश के नौजवानों को कितना रोजगार मिल गया। आप उम्मीद करते हैं कि देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा है। लेकिन अफसोस, जब आप टीवी चैनल को खोलते हैं तो उन्नाव की घटना आपके सामने आ जाती है, कठुआ की घटना आपके सामने आ जाती है, सूरत की घटना आपके सामने आ जाती है, महाराष्ट्र की घटना आपके सामने आ जाती है। रोज आप जब रात को उन्हीं खबरों के साथ में सोते हैं और सुबह को उन्हीं खबरों के साथ में जब उठते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपके दिल पे क्या बीतती होगी, उन माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी जो अपनी बेटियों के सुरक्षा के लिए परेशान रहते हैं, जो अपनी बेटी की परवरिश के लिए परेशान रहते हैं और वो अपनी उस बच्ची के लिए सुरक्षा के लिए सोचते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि आज हमारी सरकार हमारी बच्चियों को नारा तो ज़रूर दे सकती है, जुमले ज़रूर बोल सकती है कि बेटी बचाओ, लेकिन आज उसी नारे का आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या मतलब निकल रहा है। इन्होंने नारा दिया था कि बेटी बचाओ, लेकिन उसके साथ में आज मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये बेटी बचाओ नारा देकर भूल गए थे, इनको मालूम नहीं था, इनको एक चीज़ और बोलनी थी कि बेटी बचाओ लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। आपने अभी कठुआ की और उन्नाव की घटना देखी, लेकिन आपने देखा कि परसों महाराष्ट्र के अंदर 8 बच्चियां जिनकी उम्र 6 से लेकर 12 साल के बीच में थी और वो गुंगी और बहरी थी। आप अंदाज़ा लगाइए क्या सोच हो गई है हिंदुस्तान की कि गुंगी और बहरी उन बच्चियों के साथ में बलात्कार किया गया जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। अफसोस, हम अपनी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, हम सड़कों पे उतरते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि कुछ टीवी चैनल हमारी आवाज़ को नहीं दिखाते, लेकिन कुछ टीवी चैनल हैं जो हमारी आवाज़ को लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मोहम्मद आकिल रज़ा, ये मेरे भाई जो हमारे टीवी के एंकर हैं और मेरी हर चीज़ को, मैं जब भी लाइव रहता हूं तो मेरे भाई आकिल रज़ा मेरी इस वीडियो को अपने चैनल पर चलाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आकिल भाई आपको कि आप कम से कम हम नौजवानों की बात को समझते हैं, और आप एक खुद नौजवान हैं, और आपकी मैं एंकरिंग को सलाम करता हूं कि आप अपने इस भाई की खबर को, इस भाई की वीडियो को आप अपने चैनल पर चलाते हैं, उसके लिए दिल से आपको सलाम करता हूं, आपके स्टाफ को सलाम करता हूं कि कम से कम आप नौजवानों की आवाज़ को दबने नहीं दे रहे हैं, और आप जैसे पत्रकार की ज़रूरत आज हिंदुस्तान को है। आकिल भाई, मैं आपको दिल से सलाम करता हूं कि आप अपने इस भाई की वीडियो को लगातार अपने चैनल पर चलाने का काम करते हैं। नेशनल इंडियन न्यूज़ जो हमारी है, जो आप हमारी आवाज़ को उस चैनल के माध्यम से उठाते हैं, मैं सही से कहता हूं कि मैं सही से आपको सलाम करता हूं, आपके चैनल को सलाम करता हूं कि आप अपने इस भाई की आवाज़ को अपने चैनल पर उठाते हैं, और आप जैसे एंकर की सच में ज़रूरत है। आज हमारे देश को आप जैसे एंकरों की ज़रूरत है कि आप सोशल मीडिया से
हमारी बातों को, हमारी वीडियो को उठाकर कम से कम देश को दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको दिल से सलाम करता हूं। तो साथियों, मैं बता रहा कि महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, गुंगी और बहरी बच्चियों के साथ में बलात्कार किया गया। और सूरत की घटना आपको मैं बताना चाहूंगा, जो 8 साल की बच्ची है, आपको मालूम है जब उसके साथ बलात्कार हुआ तो वो कई दिन तक किसी को कुछ नहीं बता पाई, लेकिन जब उसके प्राइवेट पार्ट्स पर दर्द हुआ तो उसके माँ बाप ने जब उससे पूछा तब जाकर उसने बताया कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है। पर आपको अंदाजा होना चाहिए कि उस बच्ची के 86 जगह निशान हैं, आप लगाइए। लेकिन अफसोस कि उन बलात्कारियों को बचाने के लिए सफेद पोश मर बैठे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो दो लोग उन लोगों के साथ में खड़े हो जाते हैं। और उसके साथ साथ वो जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सलारिया जी, वो खड़े हो जाते हैं। और वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि अभी तो इन लोगों ने हाथ में तिरंगा उठाया है, कल को ये AK-47 उठाएंगे। आप उनकी भाषा देखिए कि AK-47 उठाने के लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, वो उस बच्ची के लिए बोल रहे हैं जिसके साथ में दरिंदगी की गई है। क्या AK-47 उठाकर आप उस बच्ची की आवाज को दबने देंगे? क्या AK-47 उठाकर आप उस बच्ची के परिवार को मारने चाहेंगे? लेकिन अफसोस दोस्तों, आज जिस तरीके से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के उन दरिंदों के साथ में खड़े हैं, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह हिंदुस्तान के हर उस पीड़ित व्यक्ति के साथ में खड़े होंगे जिसके साथ में अन्याय हो रहा होगा। और हम सड़कों पर लगातार उतर रहे हैं। आज देखो कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है, लगातार हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कल हमारे देश के प्रधानमंत्री बाबा साहिब की जयंती मनाने के लिए छत्तीसगढ़ गए, और वहाँ जाकर बोलते हैं कि ये बाबा साहिब की ही देन है कि मैं आज देश का प्रधानमंत्री बना हूँ। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आपने खुले मंच से कहा कि बाबा साहिब की देन है, क्या आपने उन लोगों को नहीं बताया जो बाबा साहिब की मूर्ति को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो बाबा साहिब की विचारधारा को तोड़ने का काम कर रहे हैं? आज मेरे दोस्तों, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज इस देश का संविधान खतरे में है। किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आप लोग देख रहे हैं। मोदी जी ने, जो योगी उत्तर प्रदेश के हमारे CM हैं, उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने अपने विधायक को गिरफ्तार करा दिया। तो योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पीठ मत थपथपाइए। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि 260 दिन में जाकर उस बच्ची की रिपोर्ट लिखी गई है, तो आप किस चीज के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? उनको CBI ने गिरफ्तार किया है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने हाईकोर्ट इलाहाबाद को कि हमारे न्यायाधीश जी ने फटकार लगाई और उनसे कहा कि तुरंत उस विधायक को गिरफ्तार किया जाए। आप अंदाजा लगाइए कि सरकार की करनी में और कहने में कितना फर्क होता चला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनको आदेश करना पड़ रहा है गिरफ्तारी के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की सरकार कितनी गंभीर है, देश की सरकार कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही है। इसका फैसला आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी है, हमें अपने देश को बचाना है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, किसी जाति से ताल्लुक रखते हो, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। इन बलात्कारियों से देश को बचाना पड़ेगा, इन लुटेरों से आपको देश को बचाना पड़ेगा। आज अफसोस होता है क्योंकि एक आंकड़ा दे दिया जाता है कि पिछली सरकार में वैसा हुआ। तो मोदी जी और योगी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में हम सवाल समाजवादी पार्टी से नहीं पूछेंगे, हम बहुजन समाज पार्टी से सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि सरकार में आप हो तो सवाल आप ही से पूछेंगे। वादा आपने किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये वादा कैसा है, इसका सवाल हम आपसे पूछेंगे कि
कि वाकई आज बेटी को बचाया जा रहा है, क्या वाकई आज बेटी को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अफसोस हो रहा है कि आज देश की बेटी को निर्भया जैसे हालात पैदा कर दिए जा रहे हैं। जो दिल्ली के अंदर हमारी बच्ची निर्भया, उसकी किस तरीके से दरिंदों ने हत्या की, लेकिन उस वक्त लोगों ने उसका धर्म या जाति पूछकर नहीं, ना बलात्कारियों का धर्म और जाति पूछकर नहीं, बल्कि एक हिंदुस्तानी बेटी होने के नाते सड़कों पे उतरे थे और उसके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया था। लेकिन आज आप लोग देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार के मंत्री और वहाँ के वकील सड़कों पे आके उन दरिंदों के साथ में खड़े हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज देश का माहौल क्या है, आज देश की सोच क्या हो गई है।